तो चिकन डाल दिए दोस्तों और एकदम पूरा फ्राई करके देखिए मसाला वगैरह सब डाल दिए हैं। हेलो दोस्तों, आप सबों का हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आज है होली, तो होली के शुभ अवसर पर आप सभी को हैप्पी होली। तो आज हम लोग पूरा एकदम धूमधाम से तैयारी में लगे हुए दोस्तों होली का त्योहार मनाने के लिए। देखिए पूरा एकदम परिवार जुट गए हैं, पूरा एकदम यहाँ पर लिपाई करेंगे पहले घर का, उसके बाद में फिर हम लोग पूरा परिवार मिल करके होली खेलेंगे। अभी हम सोनम और कविता जी तीनों मिल करके घर की साफ सफाई कर लेते हैं, पूरा एकदम लिपाई वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग पूरा एकदम आज होली का त्योहार मनेगा दोस्तों। पूरा एकदम झूम करके जो है सभी को डांस गाना के साथ में पूरा एकदम क्षेत्रीय तरीका से हम लोग हैप्पी होली को मनाएंगे पूरा एकदम अच्छा तरह से। क्या सोनम? देखिए अभी सोनम जो है फटाफट लिखना शुरू कर दी है और उधर कविता जी लिप रहे हैं, दोनों एकदम जल्दी जल्दी लिप रहे हैं ताकि जल्दी काम खत्म हो जाए तो हम लोग का जो है होली का त्यौहार एकदम धूमधाम से मनाएंगे। सभी को रंग अबीर के साथ में खेलेंगे एकदम पूरा परिवार। आज हम लोग पूरा एकदम जो है जिस तरह से हम लोग बाकी त्यौहार को मनाते हैं दोस्तों, उसी तरह से होली का भी त्यौहार को मनाएंगे एकदम। और होली एकदम तो ये है इंटरनेशनल त्यौहार है, ये पूरा एकदम हर जगह पे पूरा एकदम ये होली चलता है। तो इसीलिए देखिए अभी हम लोग जल्दी जल्दी दोनों लगे हुए हैं, तब चलते हैं तीनों मिल करके जो है जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पर डाला हुआ है लूड़ा? नहीं डाला है। चलिए तो आप ही लोग दोनों फटाफट लिपिए है ना, हम लूड़ा खोद करके लाते हैं, उसके बाद में हम भी जल्दी से सहयोग करते हैं और खत्म करते हैं काम को, उसके बाद में फिर होली का त्यौहार मनाने के लिए बाहर निकल जाएंगे और पूरा रंग अबीर के साथ में होली खेलेंगे हम झूम करके। है ना, इधर बाकी है, इधर बाकी है ना, हम लेकर के आते हैं लूड़ा है। तो दोनों ननन भौजाई मिल करके लिप रहे हैं दोस्तों, पूरा एकदम अच्छा तरह से घर को लिपाई कर रहे हैं, है ना सुनम? लिपिए तो जल्दी जल्दी है ना, हम ही लोग दोनों लिप लेंगे। हाँ, या हम भी साथ में आ जाए? नहीं तो हो जाएगा। चलिए फटाफट लिपिए। तो अब चलते हैं दोस्तों, पंखा सबको साइड कर देते हैं, कुछ कुछ सामान इधर साइड में रखा हुआ है कोना तरफ, इधर करते जाते हैं। ये इंडक्शन चूल्हा वाला है, इसको अंदर घुसा देते हैं। चलिए लिपिए। तो अंदर में लिपाई हो गया है दोस्तों, और इधर देखिए हमारे कुल पुरोहित आ गए हैं, और अभी यहाँ पर देखिए माँ अभी पूजा पाठ करके अभी आ गए हैं वहाँ से तुलसी पिंडा से, और अभी यहाँ पर होली का आयोजन कर रहे हैं। देखिए सभी को होली वगैरह खेल रहे हैं, देखिए पंडित जी के साथ में, उधर देखिए रंगीला बाबू को वही पूरा एकदम कपार में लगा लिया है। अभी अंदर में तो पूरा एकदम अच्छा तरह से लिपाई हो ही गया है दोस्तों, अब चलते हैं आंगन में लिपाई कर देते हैं, है ना जी? चलिए फटाफट लिपाई कीजिए। देखिए यहाँ पर ज्यादा जगह तो नहीं है, इतना ही सा जगह बचा हुआ है, तो इसी में लिप देंगे। उधर साइड साइड में मिट्टी रखा हुआ है, तो ही सामने में दरवाजा के सामने में लिपाई कर देते हैं जल्दी जल्दी। चलिए तो आंगन की भी लिपाई हो गई है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं होली खेलने की तैयारी करते हैं। देखिए इधर सोनम और कविता जी लग गए हैं होली खेलने की तैयारी में। क्या सोनम? अभी अबीर निकाल रहे हैं, देखिए कितना अच्छा अच्छा अबीर है, सब कलर का है ना, हरा गुलाबी और ये बैंगनी, सब कलर का है, खेलने में एकदम मजा आ जाएगा होली। पीला भी था किधर है पता नहीं, पीला भी लाए थे, चलिए ना हो गया। और इधर देखिए दोस्तों हम लोग का होली खेलने का सामान कितना सारा हम लोग लिए हुए हैं, ये देखिए बड़ा सा पिचकारी लिए हुए हैं, और ये देखिए ये हम लोग का कैंडल वाला कितना मस्त एकदम है, इससे एकदम पूरा एकदम धुआं निकलेगा, जो कलर का है वैसा धुआं निकलेगा, वैसा बोल करके दिए हुए हैं। और इधर देखिए माँ पीला वाला अबीर लेकर के आ गए, और इधर देखिए दोस्तों बड़ा सा देखिए फुहारा एकदम निकलेगा, जब पूरा मारेंगे ना उस समय सभी को एकदम पूरा एकदम मुंडा जाएंगे, इतना अच्छा एकदम गुब्बारा जैसा एकदम पूरा फुहारा निकलता है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिए हुए हैं एकदम बड़ा सा। और देखिए ये वाला हो गया दोस्तों सेलिब्रेशन वाला, इसको इसे घुमाएंगे ना तो पूरा एकदम फट से आवाज करेगा और पूरा एकदम अबीर निकलेगा एकदम सब कलर का, यहाँ से भी अबीर निकलेगा। हाँ यहाँ से भी अबीर निकलेगा। अच्छा, और बाकी तो अबीर सब ये है पूरा एकदम प्लेट में कर दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग होली खेलते हैं एकदम पूरा धूमधाम से। देखिए बाबू एकदम पहले ही ले लिया एकदम बड़ा सा एकदम पिचकारी ना बाबू, और होली खेलने जा रहा है।
इन लोग का भी छोटा छोटा ला दिए हैं, लेकिन किधर रखा हुआ है इन लोग। तो सब तैयारी हो गया है दोस्तों, अब चलते हैं बाहर लेकर के, बाहर में ही एकदम पूरा धूमधाम से होली खेलेंगे। देखिए हम लोग इतना बड़ा बड़ा सामान से होली खेलेंगे, देखिए एकदम पूरा एकदम लग रहा है ना कि आग बुझाने वाला जो रहता है ना, उसी तरह से एकदम लग रहा है एकदम फायर वाला जैसा, क्या डर लग रहा है। हाँ, उसी तरह एकदम धड़ 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 एकदम देंगे एकदम सब एकदम पूरा एकदम ऐसे ना पूरा एकदम मुंडा आ जाएगी एकदम, कोई पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है एकदम, क्या इतना अच्छा होली मनाई हम लोग। बहुत पिचकारी ले लो, बड़ा बड़ा पिचकारी वाला, चलो 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 तुम ही लेकर चलो। हाँ यहाँ नीचे रखो, नीचे नीचे, हाँ रुको, यहाँ जगह, यहाँ जगह नहीं, उधर उधर चलिए। हाँ चलिए इधर आगे आइए, रखिए यहाँ पर, रखिए रखिए, पहले उद्घाटन कर लेंगे ना पानी। उद्घाटन करने के लिए इतना सारा सामान लिए हुए, पानी लेके आइए, पानी पानी लेकर के आइए जी, चलते हैं दोस्तों पानी आने के लिए। मुझे पानी भरल है, यही वाला से जाएंगे, बड़ा वाला, चलिए चलते हैं अपने। ठीक ठीक ठीक, अब चलते हैं दोस्तों, पहले हम लोग अबीर का घोल बना लेते हैं। हम लोग रंग नहीं लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि रंग ना एकदम खराब कर देता है, एकदम आवाज ही नहीं निकलने लगता है उसका, एकदम इतना इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम लोग कलर लेकर के नहीं आए हैं, आवाज नहीं निकलने लगता। हाँ, इसलिए हम लोग अबीर से ही खेलेंगे, क्योंकि अबीर जो है ना पूरा एकदम शुद्ध भी माना जाता है, और जहाँ भी देखते हैं अब अबीर से ही खेलते हैं, रंग बहुत कम यूज होता है, इसलिए हम लोग अबीर लेकर के आए हुए हैं, रंग नहीं लाए हैं। तो अब चलते हैं अबीर का ही घोल बनाते हैं, रंगेगा ना। तीनों डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। हाँ, सब मिक्स करेंगे कि, देखिए यहाँ पर पानी कविता जी लेकर के आ ही गए हैं, देखिए ये वाला गुलाबी कलर है, इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर और भी कलर मिक्स होगा, देखिए ये हरा वाला है, इसको भी डाल देंगे। इतने डालेंगे ना, रंग गया जी, इसी को देखिएगा ना, आपका पूरा चुनरी एकदम लाल हरा पीला सा हो जाएगा, इधर देखिएगा ना कितना मजा आएगा खेलने में। तो अबीर का घोल हम लोग का रेडी हो गया है दोस्तों, अब चलते हैं कैंडल जलाते हैं होली वाला। देखिए दो कलर का लिए हुए हैं, देखिए इसका स्टार्ट हो गया होली रंगीला बाबू का। हैप्पी होली, देखिए धुआं कैसा दे रहा है, देखिए देखिए कैंडल कैसा धुआं दे रहा है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम गुलाबी गुलाबी धुआं आ रहा है, क्या बाबू मजा आ रहा है ना, सेंट ले रहा है, सेंट ले रहा है क्या। देखिए खत्म हो गया, तो सारा चीज हम लोग का रेडी हो गया है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग धूमधाम से होली मनाते हैं। कैंडल भी हम लोग जला दिए हैं, हम लोग का शुभ उद्घाटन हो गया है होली का, और देखिए रंगीला बाबू का होली इसका तो एकदम पहले से ही स्टार्ट है एकदम, क्या बाबू अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी आप अभी सेलिब्रेशन होगा होली का, है ना, इधर देखो बाबू, इधर इधर ऐसे खत्म कर रहा है तुम पानी को, ऐसे खत्म नहीं करना है, वहाँ पर कलर बनाए है ना, हम ये ला करेंगे। हाँ, उसको फ्राद के फोड़ना है एकदम, है ना। देखिए होली में कैसा हो गया दोस्तों रंगीला बाबू, ये देखिए पूरा एकदम बैंगनी बैंग, कैमरामैन फोकस करो। होली में सबका शकल कैसा हो गया दोस्तों, ये देखिए पूरा इधर, अभी कहाँ अभी होली आई है, अबे हटा ले हटा ले।
मैंने फोकस करो। तो हम लोग सभी को पूरा एकदम धूमधाम से होली खेले दोस्तों, बहुत ही मजा आ गया एकदम, पूरा एकदम देसी तरीका से होली खेले। क्या सुना मैडम? हाँ, कविता जी, हम रंगीला बाबू, लक्ष्मी, सभी को होली खेले, सिर्फ मार पिताजी उधर गए हुए हैं वाले घर तरफ। पूरा धूमधाम से खेले एकदम, काफी इंजॉय के साथ में, पूरा अच्छा लगा। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग पूरा एकदम ठिठर गए एकदम, पानी वगैरह के साथ में खेले ना तो पूरा ठंडा लगने लगा। अब चलते हम लोग फटाफट नहाते हैं, है ना? तो चलिए आप फटाफट नहाइए, है ना। और आप लोग सोचते होंगे दोस्तों पानी बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यही पानी से हम लोग है ना उधर खेती भी पड़ रहा है, वहाँ पर हम लोग लगाए हुए हैं करेला, ननुआ, बोदी, ये सब लगा दिए हैं, उधर पानी पड़ते जा रहा है, इधर हम लोग का इंजॉय भी हो रहा है होली में, दोनों काम एकदम साथ साथ होते जा रहा है। क्या सुना? सबको मजा आ रहा है। तो नहा धो करके सभी को फ्रेश हो गए दोस्तों, और जैसे ही नहाए उसके बाद में पूरा एकदम झरझरा के बारिश होने लगा। देखिए अभी कैसा मौसम कर दिया है, और देखिए बारिश हुआ तो यहाँ पर पानी तुरंत डबर गया, देखिए पूरा एकदम झरझर झरझर आया, उसके बाद में फिर तुरंत छूट भी गया। देखिए बाहर में कैसा मौसम बना दिया है एकदम। और अभी हम लोग खाना पीना बनाने की तैयारी में लग गए हैं, ये देखिए अभी प्याज काट लिए हैं, और अभी लहसुन छुड़ा करके यहाँ पर रख रहे हैं। क्या सुना? आज हम लोग का बनेगा दोस्तों होली के उपलक्ष्य में एकदम मटन भात बनेगा मस्त वाला। क्या सुना? अभी उसी का तैयारी हो रहा है, अब चलते हैं फटाफट जो है हम लोग खाना पीना बनाने की तैयारी करते हैं जल्दी से। तो चलिए दोस्तों हम भी फटाफट साथ में मिल करके करते हैं, उसके बाद में हम लोग खाना पीना फिर बना करके खाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए लहसुन वगैरह सब छोड़ा लिए हैं, अब थोड़ा सा बाकी है, हम भी फटाफट छोड़ा देते हैं। देखिए अभी कविता जी प्याज काट रहे हैं, तो फटाफट लहसुन छोड़ाते हैं दोस्तों। कविता जी का हो गया प्याज कटा हुआ, देखिए इतना सारा प्याज काट ली है। और मार पिताजी के लिए भी बनेगा दोस्तों ये स्पेशल खाना, उन लोग के लिए बनेगा मटर पनीर का सब्जी और भात, और हम लोग का रहेगा मटन भात, साथ में हम लोग का पापड़ वगैरह भी रहेगा। क्या जी, पापड़ है ना? पापड़ नहीं है? अच्छा खत्म हो गया, अरे भूल गए हम लाने के लिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब इस टाइम पे कौन जाएगा पापड़ लाने के लिए। देखिए छोटा छोटा ही लहसुन है लेकिन बढ़िया है, देखिए पूरा एकदम साफ हो गया, हो जाएगा। और एक आध दो को छोड़ाइए ना, हो जाएगा। तो सारा चीज प्याज लहसुन काट के रेडी कर रहे हैं दोस्तों, देखिए लहसुन छील के रेडी कर लिए हैं, यहाँ पर डाल देंगे तो एकदम पूरा मस्त लगेगा। देखिए इधर चिकन भी, चिकन नहीं है मटन है, मटन बन के रेडी है। और इधर देखिए कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं, अब फटाफट बनाने का तैयारी करते हैं। तैयारी तो सब हो चुका है, बनाते हैं। अब पहले तेल डाल देते हैं, तेल डाल दिए दोस्तों, और तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब डाल देते हैं लहसुन। पहले लहसुन को फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद प्याज डाल देंगे। और भैया गए हैं दोस्तों मार्केट, क्योंकि ना मम्मी पापा बोले कि पापड़ लेके आइए, तो पापड़ लेने ही गए हैं भैया, तब कितना देर में आते हैं देखते हैं, तब तक हम बना के रेडी रखते हैं इधर, पूरा मटन भात बना के रेडी रखते हैं, फिर आएंगे भैया तो पापड़ छानेंगे। और मम्मी पापा वाला भी बनाना है पनीर, तो भी बनाएंगे। अभी सारा चीज़ बना के रेडी रखते हैं हम और भाभी, हम इधर बना रहे हैं, भाभी उधर मसाला पीस रही है, तो फटाफट बनाते हैं जल्दी से। देखिए कैसे फ्राई हो रहा है रसोई, अब डाल देते हैं प्याज, तो चिकन डाल दिए दोस्तों, और एकदम पूरा फ्राई करके देखिए मसाला वगैरह सब डाल दिए हैं, देखिए कितना मस्त फ्राई हुआ है, और सारा मसाला डाल दिए हैं, थोड़ा सा मसाला भुन जाएगा उसके बाद फिर पानी डाल देंगे, देखिए क्या ही मस्त लग रहा है देखने में, थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद पानी डाल देंगे, फिर हम लोग का मटन बन के रेडी हो जाएगा। इधर देखिए लक्ष्मी एकदम प्लेट लेके आ गई, थाली लेके मांगने के लिए। क्या लक्ष्मी खाएगी? हाँ
अच्छा दे रहे हैं भुंजाने दो। तो दो पीस उठा देते हैं दोस्तों लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी और रंगीला दोनों जन खाएंगे। दो पीस उठा देते हैं। हाड़वा थोड़ी सीझा होगा, जो वाला सीझा होगा वो वाला ना उठा देंगे। हाँ हाँ रुको लक्ष्मी रुको। खाओ खाओ, फूक फूक के खाना दोनों भाई बहन। ठीक, तो हम पापड़ लेकर के आ गए दोस्तों दुकान से। अब चलते हम लोग पापड़ छानते हैं। और इधर देखिए हम लोग का गर्मा गर्म मटन भी बन गया है। ये देखिए मटन बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें चलते हैं, धनिया पत्ता डाल देते हैं। चलिए काट करके डाल दीजिए, अपना बारी का धनिया पत्ता है ना। हाँ, ताजा पूरा ताजा धनिया पत्ता है एकदम। हो गया, देखिए कितना स्वादिष्ट मटन बना हुआ है एकदम गारेगार तरी। अब धनिया पत्ता डाल दिए ना तो एकदम अच्छा लगेगा, और एकदम खाने में। गरम मसाला वगैरह सब डाल दिए, सब डाल दिए मसाला, मीट मसाला ही सब सब। और भात बन गया। हाँ, भात भी बन गया गर्मा गर्म। चलिए अब चलिए फटाफट पापड़ छानिए और माँ और पिताजी का बना दीजिए पनीर। हाँ, उन लोग का भी बना देंगे। हाँ, उसके बाद में पूरा परिवार एक साथ मिल करके खाएंगे। चलिए अब उसको उतार दीजिए, नहीं तो पूरा सोख जाएगा। हो गया, अब ये खुशबू आ रहा है। इसको ढक करके छोड़ देना, उतार देते हैं। उतार दीजिए अब। चलिए पहले बना लीजिए मटर पनीर है ना। देखिए कविता जी लेकर के आ गए दूसरा कढ़ाई, अब इसमें बनेगा मटर पनीर माँ और पिताजी के लिए। चलिए अब इसमें तेल वगैरह डालिए है ना, और बना दीजिए। तो तेल गरम हो गया है दोस्तों, और इसमें देखिए पनीर का टुकड़ा काट करके डाल दिए हैं। अब ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद में फिर सब्जी बनेगा। कैसे ना, चलिए देखिए लाल होना शुरू हो गया, पूरा गरम हो गया ज्यादा। जल जाएगा, उसको जल्दी जल्दी चलाइए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हैया है पनीर का टुकड़ा, इसको बाद में डाल देंगे। वो तो लाल हो गया, उसको अब निकाल दीजिए। उसको निकाल दीजिए ना, लाल हो गया, नहीं तो ज़्यादा जल जाएगा ना तो ठीक नहीं लगेगा खाने में। चलिए डाल दीजिए, बाकी सब डाल दीजिए। तो खाना बन के हम लोग का रेडी हो चुका है दोस्तों। अभी देखिए कविता जी लगाने जा रहे हैं, लगाइए जी। देखिए भात कितना फ्रेश एकदम बना हुआ है। बस चलिए माँ आप सब्जी लगाइए, इसको दीजिए कविता जी बांटेंगे। मटन वही बांटेंगे। हाँ, आप अपना पनीर बांटिए, कहे कि आप नहीं ना खाते हैं नॉन वेज, मीट मछली नहीं खाते हैं माँ, इसलिए उनको जो है पनीर बनवा दिए हैं। आप माँ पनीर बांटेंगे, चलिए माँ लगाइए। देखिए पनीर भी क्या ही स्वादिष्ट बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए पूरा दम भी लटपटा गया है, पनीर के झोर कर लेना ही साफ लगता है। हाँ, इसलिए पूरा एकदम लटपटी बनाए हुए हैं। इसमें मटर नहीं डाले हैं क्योंकि मटर ना माँ को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए ऐसे ही बनवा दिए। उससे अबावे नहीं पड़ते। चलिए देखिए इधर कविता जी मटन लगा रहे हैं। बस देखिए मटन भी पूरा स्वादिष्ट बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए पूरा एकदम गाढ़ा तरी हो गया है, पूरा मिक्स हो गया है मटर के साथ में। तो प्लेट में हम लोग का लग चुका है दोस्तों। ये देखिए पूरा एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना एकदम लगा हुआ है। और इधर देखिए माँ भी पापड़ बांट रहे हैं। हाँ। चलिए देखिए हम लोग का क्या ही स्वादिष्ट खाना लगा हुआ है दोस्तों। ये देखिए इसमें मटन है, पापड़ है, देखिए इसमें भी है मटन पापड़। देखिए सब थाली में, चार गो थाली में यहाँ पर लग गया है खाना एकदम स्पेशल वाला। चलिए माँ आप शुरू कीजिए। हाँ ठीक है, चलिए जी लेकर के बैठिए। हम बाहर जाएंगे, लक्ष्मी के साथ खाएंगे। अच्छा जाइए उधर ही बैठ करके खाइए आराम से, लक्ष्मी उधर ही है। अब चलते हैं दोस्तों, हम भी खाते हैं, काफी भूख लग गया है एकदम। होली खेले ना पूरा एकदम जम करके। हाँ। तब भूख लगने लगा, अब खाते हैं खाना।
पूरा टेस्टी खाना बना हुआ है दोस्तों। देखिए एकदम मटन के साथ में पूरा एकदम ना तरी मिक्स हो गया है, खाने में पूरा एकदम मजा आता है। होली के उपलक्ष्य में खा रहे हैं हम लोग मटन करी और भात और साथ में पापड़ भी। तो खाना पीना हम लोग सभी को खा लिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आराम करने के लिए। हम लोग काफी एकदम टेस्टी टेस्टी खाना बनाए आज एकदम होली के शुभ अवसर पे। आज हम लोग बनाए मटन भात, पनीर भात, साथ में पापड़ भी, पूरा एकदम खाने में मजा आ गया। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग आराम करते हैं क्योंकि काफी एकदम धूमधाम से हम लोग होली खेले, तो पूरा एकदम थकावट टाइप का लग रहा है। कादो माटी अबीर वगैरह में खेले पूरा एकदम धूमधाम से, पूरा एकदम देसी तरीका से, तो एकदम पूरा थकावट लगने लगा। और ऐसे भी खाना पीना खा ही लिए हैं, तो अब चलते हैं आराम करते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।